अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू मुन्ना केमिस्ट चैनल। टुडे टॉपिक इज़ द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक हो गया, दैट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। सेकेंड लेयर ऑफ एटमोसफेयर हमने पढ़ा था कि ये एक्सटेंड करता है 50 किलोमीटर से 12 से 50 किलोमीटर तक। टेम्परेचर रेंज हमने देखा था कि ये 2 से कहाँ तक लेकर जाता है, 58 से -58 से 2 सेल्सियस तक। यही पढ़ा था, ये दो बातें हमने पढ़ी थी। तो स्टूडेंट, ये वो एरिया है जहाँ ओजोन भी मौजूद है। सबसे बड़ी इसकी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर। द रीजन, दिस रीजन इज नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर। इन दिस रीजन टेम्परेचर राइज ग्रेजुअली अप टू 2 सेल्सियस। द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का आपको पता काम क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डेंजरस रेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक हो गया। टेम्परेचर की जो वेरिएशन रेंज है इसमें -58 जो कि बहुत कम टेम्परेचर होता है, कम का मतलब है कि बहुत ठंडा टेम्परेचर है, या इस तरह से जैसे आप ऊपर जाना शुरू करते हैं ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, फिर ये तब तक ही बढ़ता है जब तक सेटअप सारा जो है वो स्टेबल नहीं हो जाता। अलबत्ता यहाँ रिएक्शन होते रहते हैं, रेडिएशन रेज है ना, तो यहाँ ओजोन की बेसिकली डिकम्पोजिशन होती है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जब ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सन रेज, यू हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम। ये मॉलिक्यूलर एटम है, सॉरी ये मॉलिक्यूलर एटम है और ये एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एटॉमिक ऑक्सीजन है। अब जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये कोई स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता, इसको हम लोग मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं, जबकि ये डायटोमिक ऑक्सीजन है। ठीक है, इनकी दो आइटम है इसके अंदर। तो जो इनकी जो अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज के आने से जो इनकी रिकम्पोजिशन होती है, ये काम हर वक्त चलता रहता है। अब आप थोड़ा सा और मतलब उसी रेंज में रहेंगे तो फिर जाहिर बात है ये चीज़ अगर बनी है, आपको पता है कि केमिस्ट्री में जब भी कोई केमिकल